वित्त मंत्री श्री देवड़ा पहुंचे अपने विधानसभा क्षेत्र के गांव धुंधुरका, गुलियाना, निपानिया, जलपुर, हतुनिया, लामगिरी व कुचडोर में। कोरोना महामारी के दौर में कोरोना से जंग लड़ते लड़ते हार गए दिवंगत आत्माओं के पीड़ित परिवारों के घर पहुंचकर शोक संवेदना प्रकट की और ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति देने की विनती की। इस अवसर पर वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा, मंडल अध्यक्ष जीवन शर्मा, बंशीला पाटीदार, हर सिंह चावड़ा, देवंत सिंह सोलंकी, सत्यनारायण हटीला आदि ग्राम वासियों ने दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी एवं मीडिया से चर्चा के दौरान वित्त मंत्री ने प्रदेश की जनता से वैक्सीन लगवाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने एवं मास्क लगाने की मीडिया के माध्यम से अपील की। राजनीतिक हलचल न्यूज के लिए बाकुला जानगी की रिपोर्ट। कोरोना महामारी के इस दौर में कई लोगों ने अपने को खोया है और बहुत परिवार जो है तो इसमें बहुत सारे लोग विचलित हो गए, तो इस बारे में मीडिया के माध्यम से आप प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? तो मीडिया के माध्यम से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि एक तो इस कोरोना जैसा महासंकट शायद पूरे विश्व में एक ऐसा संकट आया जो अदृश्य था, जिसके कारण लाखों की तादाद में लोग हमारे बीच से चले गए। शायद मुझे लगता है कि कहने के लिए कोई शब्द नहीं है, कष्ट की पराकाष्ठा है। लेकिन मैं यही अपील करना चाहूँगा कि दूसरी लहर जब आई थी उसमें बहुत लोग प्रभावित हुए, अनगिनत लोग प्रभावित हुए, लेकिन फिर भी सरकार ने नियंत्रण किया, केंद्र सरकार ने भी नियंत्रण किया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने प्रदेश में नियंत्रण करने में परिश्रम की पराकाष्ठा करी। लेकिन मैं आग्रह पूर्वक विनम्र प्रार्थना करते हुए मध्य प्रदेश की जनता को कहना चाहूँगा कि तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए एक तो मास्क लगाना बिल्कुल अनिवार्य रूप से सबको अपने लाइफ स्टाइल बदल करके ये अनिवार्य रूप से लगाना चाहिए, परिवार के लोगों को भी लगाना चाहिए, खुद को भी लगाना चाहिए, दूसरे लोगों को भी प्रेरित करना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पूरा करें, भीड़ भाड़ वाले इलाके से बचें, भीड़ न लगाएं, सैनिटाइज करें पूरा हाथ और हाथ साबुन से धोएं निरंतर। और बड़े प्रोग्राम जो होते हैं शादी ब्याह वगैरह के, लोगों से मैं ये भी अपील करूंगा कि इससे बचना चाहिए, प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 15 लोग 20 लोग 25 लोग जितनी परमिशन प्रोटोकॉल में दी है उसका पालन करना चाहिए। और मुझे लगता है कि इन सब सावधानियों को अगर हम रखेंगे और वैक्सीन लगाने का देश के प्रधानमंत्री जी ने निशुल्क वैक्सीन उपलब्ध करवाई है, पूरा देश प्रधानमंत्री जी का आभारी है कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया है देश के लिए, निशुल्क उपलब्ध करवाई है वैक्सीन। तो मैं तो ये कहूँगा कि खुद भी वैक्सीन लगाएं और दूसरे लोगों को भी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि पूरे परिवार को भी लगाएं और सारे मिलने जुलने वालों को भी वैक्सीन लगाने के लिए। इसका कोरोना से बचने का मैं सोचता हूँ कि सबसे बड़ा कोई उपाय अगर है तो वैक्सीन लगाना और मास्क लगाना, ये दो चीज़ ज़रूरी करना चाहिए। और अगर हम वैक्सीन लगाने के लिए आग्रह करके अगर किसी को वैक्सीन लगाएंगे तो मैं समझता हूँ कि ये इससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं है, जान बचाने का काम हम लोग करेंगे, इसलिए बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लेना चाहिए और काम करना चाहिए।